आप ये कैमरा तो नीचे कर दें, वो इतने कैमरे चल रहे हैं। देखिए मेरा बेटा तो मौके पे तो मौजूद था ना, माँ अगली गाड़ी में अगर मर रही है, मैं ये कह रही हूँ, तो वो पीछे से भागता नहीं आया, उसी ने मुझे गाड़ी से निकाला है। बट दैट डजंट मीन ही वाज ड्राइविंग द कार। मैं तो कह रही हूँ कि सीसीटीवी प्लीज फुटेजेस निकाले ताकि जो क्यूरियोसिटी है ये खत्म हो जाए। हमें भी उतनी तकलीफ है, मैं भी एक माँ हूँ, आप भी बाप है, कि किसी की गोद उजड़े तो इससे कोई इंसानी जान जाने का तो कोई हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। बट इट वॉज एन एक्सीडेंट। मीडिया ट्रायल अपने देगा, लेकिन वाकये का हैरेसमेंट जैसे इश्यूज वाकयात का कोई ताल्लुक नहीं। चले मेहरबानी जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू जी, थैंक यू भाई। एक हफ्ता पहले ये चीज आई थी और ये बेटा थैंक यू, ये चीजें आती रही हैं कि मैडम कश्मीरा तारिक पे तहकीकात हो रही है कुछ रुपयों की, कुछ करोड़ों की, तो वो क्या चीज मामला है? और अनफॉर्चुनेटली कल का इंसिडेंट हो गया, तो ये एक हफ्ते से जो चीजें चल रही हैं, मैंने आपको कहा कि मेरे पास जी आप सारे भी मीडिया से हो, कभी मुझे देखा है कि मैं नून लीग में हूँ? मुझे बताओ, इतने पुराने आप सहाफी हैं, मुझे बताएं PMLQ के बाद मुझे आपने देखा है कभी किसी पार्टी में? बताएं सारे। PMLQ की थी दोनों दफा PMLQ, उसके बाद आपने मुझे किस सियासी पार्टी में देखा? तो अगर लोगों की ला इल्मी है, यही तो कह रही हूँ कि जर्नलिज्म में इंक्वायर तो करो, तहकीक तो करो। मैं तो कभी कोई और पार्टी ज्वाइन ही नहीं की, शुरू भी PMLQ से किया और लास्ट MNA भी मैं PMLQ से थी। अगर किसी की ला इल्मी है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? थैंक यू जी, बस थैंक यू जी। ये तो अभी खुद हम अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। शुक्रिया। जब कैमरे सारे ना कैमरे जरा बाहर रख दें, फिर मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगी। नहीं बाहर रखवा, नो नो मुनीब कैमरे।